सो हेलो गाइस, आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल हीरो नेटवर्क में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ दोस्तों, ताकि मैं बहुत जल्द ग्रो कर सकूं। एंड दोस्तों, जो टॉपिक है वो है आज बेंटन वर्सेस बेंटन, यानी कि उनके जो भी सीजन आए हैं, जो भी एपिसोड, जो भी वर्जन आए हैं, उन सब के बीच हम एक बैटल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बेन 10 के फर्स्ट वर्जन, यानी कि बेन 10 क्लासिक का, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था और कार्टून नेटवर्क चैनल ने इसे इंट्रोड्यूस किया था पूरी वर्ल्ड में। और ये इसे दोस्तों का IMDb ने 7.1 की रेटिंग दी थी और कॉमन सेंस मीडिया ने 3 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 5। और इसे 84% लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। ये एक टीवी शो था जो कि साइंस फिक्शन था, इसलिए ये काफ़ी फेमस हुआ और उसके कैरेक्टर डिज़ाइन एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, सो इट वॉज वेरी फेमस हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद आया दोस्तों बेंटन एलियन फोर्स, जो कि बहुत ही फेमस हुआ। इसमें बेंटन को 15 ईयर्स का दिखाया गया था और इसे दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद किया और इसके डिज़ाइन, कैरेक्टर, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। और इसे कॉमन सेंस ने 3.5 की रेटिंग दी, IMDb ने 7.1 की और गुड रीड्स ने दी है इसे 5 की दोस्तों, और tv.com ने दी है 8 की। यानी कि इसकी स्टोरी लाइनअप एवरीथिंग बहुत ही अच्छा था दोस्तों, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे थे, लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। तो दोस्तों, इसके क्रिएटर्स ने फिर बेंटन अल्टीमेट एलियन को लोगों के सामने रहा, जबकि बेंटन एलियन फोर्स काफ़ी फेमस हुआ। उसके बाद इस जो अल्टीमेट एलियन आया, इसके कैरेक्टर डिज़ाइन और स्टोरी काफ़ी अच्छी थी और लोगों ने इसे काफ़ी फेमस पसंद किया, लेकिन क्लासिक के सामने ये दोनों एपिसोड्स ज़्यादा फेमस नहीं हुए। क्लासिक सुपर हिट था तो, और इन दोनों में जो रेटिंग्स जो इन्हें लोगों ने दी वो दी IMDb ने 7.4 की, iTunes ने 3.7 की और tv.com ने 7.9 की रेटिंग्स, और 94% लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स, एवरीथिंग बहुत अच्छा था दोस्तों और लोगों ने इसे काफ़ी पॉपुलर भी किया। इसमें कैरेक्टर्स को काफ़ी इन्हांस दिखाया गया था। और इसके बाद दोस्तों बेंटन ओमनीवर्स आया। बेंटन ओमनीवर्स के आने पर जो बेंटन की जो फाउंडेशन थी वो काफ़ी हिल गई, क्योंकि ओमनीवर्स इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। इसे IMDb ने 5.8 के और कॉमन सेंस ने 4 के और tv.com ने 5.4 के रेटिंग दी है। इसका कारण दोस्तों ये था कि इसके जो कैरेक्टर्स का डिज़ाइन था वो काफ़ी घटिया था और इसके डिज़ाइन को लोगों ने बहुत पसंद नहीं किया दोस्तों, पर इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी जिसके तहत बेंटन की फाउंडेशन बच गई और इसे बंद नहीं किया गया बल्कि अभी भी जारी रखा है। और उन्होंने सोचा कि इसको और इन्हांस किया जाए, या फिर इसे जो उन्हें नुकसान हुआ था बेंटन के क्रिएटर्स को, उसे उसकी भरपाई के लिए उन्होंने एक और सीरीज़ को लॉन्च किया जो कि था बेंटन रिबूट। और बेंटन रिबूट के बारे में दोस्तों एक ही बात कहूँगा कि इसकी जो कैरेक्टर्स और डिज़ाइन थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे, और ना ही इसमें जो कैरेक्टर्स थे उन सबको बहुत ही बिगाड़ दिया गया था, उनके फॉर्म को भी काफ़ी चेंज कर दिया था। IMDb ने इसे 2.5 की रेटिंग दी आफ्टर 10 और tv.com ने 3.9 की रेटिंग्स दी आफ्टर 10। तो दोस्तों, रेटिंग्स ही बता रही है कि ये कितना फ्लॉप हो चुका था। इसे लाया गया था ताकि ये बेंटन ओमनीवर्स से हुए नुकसान की भरपाई कर सके, लेकिन इसने और भी ज़्यादा नुकसान बेंटन क्रिएटर्स के दे दिया। मैन ऑफ एक्शन ने इसे बंद करने का फैसला किया था, लेकिन मैन ऑफ एक्शन ने इसे अभी भी चलाए रखा है ताकि कोई बेंटन की पॉपुलैरिटी को की कमी ना हो, इसका कोई फैन फॉलोअर्स कम ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैन ऑफ एक्शन अभी भी काम कर रही है, शायद वो नई मैन ऑफ एक्शन की नई बेंटन सीरीज को लेकर आ सकती है हमारे सामने। तो दोस्तों, बात करते हैं रिजल्ट। तो दोस्तों, इस बैटल में जो कि है बेंटन क्लासिक और बेंटन अल्टीमेट एलियन जीत जाते हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी बाकियों के मुकाबले। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया।